गोला पुलिस ने पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सकरदेया चीनी मिल के पास से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान भानु प्रताप यादव पुत्र कंतनाथ यादव निवासी विशुनपुरा थाना गगहा, अरविंद यादव पुत्र गंगा यादव निवासी बगही थाना बेलघाट तथा दिनेश यादव पुत्र हरदेव यादव निवासी वार्ड नंबर 15 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। एसपी साउथ एके सिंह ने बताया कि यह लोगों को प्रलोभन देकर पैसे को दुगुना करने के नाम पर ठगी करते थे, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दो मौके से फरार हो गए हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्तों के पास से एक अवैध देशी तमंचा, एक कारतूस, 37,500 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिग्विजय नारायण राय, उप निरीक्षक राजेश यादव, आलोक कुमार राय, दिनेश कुमार यादव, कांस्टेबल प्रशांत यादव, दिलीप सोनी, प्रदीप कुमार राय, अमित कुमार यादव, शिव शरण चौरसिया, वरुण कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला अंजनी कुमार पांडे और एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, गोला के अंतर्गत ग्राम डेईबिहा के पास घटित टप्पेबाजी की घटना में पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से उनके पास से 37,500 रुपये और एक अदद अवैध तमंचा में कारतूस बरामद कर लिया गया है। इसमें बाकी बचे वांछितों के खिलाफ पुलिस की दबिश और हमारे प्रयास जारी है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अंशुमान राय के एक आदमी हैं जो दुबौली गोला क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको एक आदमी ने ये प्रलोभन दिया कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो धन दुगुना कर देते। इस आधार पे इन्होंने उसको 50,000 रुपये एक बार दिए, तो उसने कहा इतना कम पैसे का दुगुना नहीं होता है, ज़्यादा पैसे का होता है। ये अपना प्रलोभन नहीं रोक पाए और फिर इन्होंने 2,00,000 रुपए उसे दिए, बताया कि 2,00,000 रुपए हमारे पास हो गए हैं। तो उसने कहा ठीक है आपका अब बदल जाएगा, उसने किसी से बात कराई। परसों शाम को ये 2,00,000 रुपए लेकर के इनको उसने थाना गोला क्षेत्र के देईडीहा के पास बुलाया और गोपालपुर मार्केट में जाने के बाद इन्होंने कहा आ जाइए, तो उसने कहा नहीं थोड़ा और आगे बढ़िए। जब ये सुनसान जगह पर गए तो दो आदमी आए और एक ने कहा पैसे दो, इन्होंने कहा पहले तुम दो तब हम देंगे, लेकिन फिर उसने किसी से बात कराई। बात करने के बाद इन्होंने 2,00,000 रुपए दे दिए। 2,00,000 रुपए देने के बाद अभी ये बदले में जो देने के लिए ले आए थे उनका साथी लेके थोड़ा सा 4 कदम दूर खड़ा था, दे पाता। इतने में दो आदमी और आए और उन्होंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच के हैं। फिर देने वाला लेने वाला सब भागने लगे और जो लोग क्राइम ब्रांच के बन के आए थे जब वो भी भागने लगे, तब बादी को शक हुआ, कह रहे लगता मेरे साथ धोखा हो गया। थोड़ी देर तक इन लोगों के आपस में जो भी रही हो, जिस टेलीफोन से भी जैसे भी वार्ता होती रही, नहीं हुआ तो इन्होंने सूचना दी पुलिस को, पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है। और इस गैंग में कुल 7 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हो गई है, आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष की तलाश जारी है और इनमें से 2 व्यक्तियों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। आगे छानबीन में जैसा होगा इनके विरुद्ध और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसका मास्टरमाइंड एक अवधेश यादव है प्रतापीपुर के, और दूसरे मनीष यादव नाम का एक सिपाही है जो जिला बस्ती में तैनात है। 7 लोगों में ये लोग भी शामिल हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई।